हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फोर्थ क्लास साइंस चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर का जो नाम है वो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बिल्कुल बारीकी से एक एक पॉइंट को हम चेक करेंगे इसके अंदर और देखते हैं कि ये आप इसमें से कितना सीख पाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से, एनिमल्स के बारे में इसमें सारा का सारा दे रखा है। तो देखो इसने क्या कहा, एनिमल्स कैन लीव हैप्पीली ऑल देयर लाइव्स ग्रोइंग ईटिंग एंड मूविंग अराउंड। इसने कहा है जो जानवर होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, जो जानवर हैं, वो अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार लेते हैं। कैसे? ग्रोइंग लीव्स, ग्रोइंग मतलब वो बढ़ते रहते हैं। बढ़ने का मतलब है बेटा उनकी एज और उनका बॉडी साइज स्ट्रक्चर वो ग्रो होता रहता है। ईटिंग खाते पीते, मूविंग अराउंड और घूमते फिरते, यानी कि जो जानवर हैं वो अपनी ज़िंदगी खाते पीते और घूमते फिरते यूं ही अच्छे तरीके से गुजारते हैं। बट इफ दे डोंट प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन किड्स दे विल हैव नोबडी टू रिप्रेजेंट देम इन द फ्यूचर। फिर इसने कहा बट, लेकिन इफ दे डोंट प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन किड्स, अगर वो अपने बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो दे विल हैव नोबडी टू रिप्रेजेंट देम इन द फ्यूचर। बाद में, फ्यूचर में उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इस अर्थ पे कोई भी नहीं बचेगा, इसीलिए वो अपने बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, क्योंकि होगा क्या बेटा, जैसे मान लिया किसी भी एनिमल है, कोई भी एनिमल है, उसकी एक पर्टिकुलर लाइफ होती है। जैसे मान लिया कोई कोई है, कोई 10 साल जीता है, कोई 15 साल तक जीता है। ठीक है, 15 साल के बाद वो तो मर जाएगा, तो वो पीछे क्या छोड़ के जाता है, उसके जैसे ही उसकी जो प्रजाति है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होते हैं, उसके बच्चे। ठीक है, जैसे हम इंसानों में होता है सेम इसी तरीके से। आगे चलते हैं, आगे इसने क्या बोला, देयरफॉर इन ऑर्डर टू कंटिन्यू देयर रेस। देखो रेस, रेस एक वर्ड आया है, रेस बच्चे ये आपकी वो नहीं है दौड़ने वाली, इस रेस का मतलब होता है आपकी प्रजाति। ठीक है, मतलब एक कोई भी हम बोल सकते हैं, कोई भी एक एनिमल की कैटेगरी है, उस वो अपनी प्रजाति को जब रिप्रेजेंट कर रहा है तो वहाँ हम बोलते हैं उनकी एक कम्युनिटी, उस रेस, उसको हम रेस बोलते हैं। तो इसने क्या बोला, देयरफॉर इन ऑर्डर टू कंटिन्यू देयर रेस एनिमल प्रोड्यूस यंग वंस। अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए जो एनिमल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, यंग वंस, नए बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग इज नोन एज रिप्रोडक्शन। देखो द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग एक वर्ड आता है बच्चे, यहाँ पे देखो ये जो लिखा है ना आपका ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चे नए, जो आपके अगली जनरेशन जो आती है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, एक तरीका जिसकी हेल्प से वो जो एनिमल्स हैं वो अपनी अपने बच्चे पैदा करते हैं, उस तरीके को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। हमने क्या बोला, द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग इज नोन एज रिप्रोडक्शन। मतलब एक तरीका जिसकी हेल्प से जो एनिमल्स हैं वो अपने बच्चे पैदा करते हैं उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन में भी आप लिख सकते हो, तो इसको आप मार्क करके रखना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, लाइफ वुड नॉट हैव एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ इफ लिविंग बींग्स
डिड नॉट प्रोड्यूस, अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो आगे पॉसिबल नहीं हो सकती अगर जो एनिमल्स हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस ना करें, यानी कि बच्चे पैदा अगर नहीं करेंगे तो आगे लाइफ ख़त्म हो जाएगी अर्थ के ऊपर। क्यों? क्योंकि क्या है बेटा, जैसे मान लिया हमारे जो पेरेंट्स हैं उनसे हम पैदा हुए, फिर अगर मान लिया वो हमें पैदा नहीं करते तो हमारे पेरेंट्स के मरने के बाद जो फैमिली थी वो पूरी वहाँ ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो आगे खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपनी जो रेस है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू दोज दैट गिव बर्थ टू देयर ऑफस्प्रिंग एंड दोज दैट ले एग्स दैट इवेंचुअली हैच इनटू ऑफस्प्रिंग। देखो बेटा इसमें क्या है, इसने क्या बोला कि अर्थ के ऊपर अब जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे उसमें ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स को भी एनिमल में ही काउंट किया जाता है बेटा, तो क्या बोला, जितने भी अर्थ के ऊपर एनिमल्स हैं हमने उनको दो कैटेगरी में बांट दिया, दो ग्रुप में बांट दिया। एक वो ग्रुप बना लिया जो दैट गिव बर्थ टू देयर ऑफस्प्रिंग, जो बच्चे पैदा करेंगे, मतलब एक ग्रुप हमने दो ग्रुप में बांटा, एक ग्रुप वो जो बच्चे पैदा करते हैं और दूसरा ग्रुप वो जो बच्चे तो पैदा करेंगे लेकिन किसकी हेल्प से, पहले एग्स की हेल्प से, यानी कि वो एनिमल्स पहले एग्स ले करेंगे, उसके बाद उनको हैचिंग प्रोसेस से हैच करके वहाँ से बच्चे पैदा होंगे, यानी कि वहाँ से ऑफस्प्रिंग जनरेट होंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे दो ग्रुप बने, एक वो जैसे मान लिया हम बात करें, हम एनिमल्स की अगर हम बात करें तो उसमें आप बोलो जैसे काओ है, बफेलो है, कैट है, ह्यूमन बीइंग है, तो क्या है जो जैसे गाय है, गाय क्या है, जब भी गाय किसी बच्चे को जन्म देती है, अपने जो उसका बछड़ा होता है उसको जन्म देती है, तो वो डायरेक्ट जो बछड़ा है उसी को पैदा करती है, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे चिड़िया है, चिड़िया पहले अंडा देती है और फिर उस अंडे से उसकी हैचिंग करके उसके बाद उसमें से फिर वो चूजे निकलते हैं छोटे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे, दो कैटेगरी बना ली, एक जो सीधा बच्चे को जन्म देते हैं, दूसरा जो पहले अंडे देंगे उसके बाद उनमें से बच्चे निकलेंगे, ठीक है। तो दो ग्रुप हम इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अभी है नेक्स्ट, अभी है एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू ऑफस्प्रिंग, अभी हम उनकी बात करेंगे, उन एनिमल्स की बात करेंगे जो दैट गिव बर्थ टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो सीधा बच्चे को जन्म देते हैं, हम उन एनिमल्स की यहाँ पे बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। यहाँ इसने क्या बोला, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स, आर कॉल्ड मैमल्स। इसने क्या कहा, जो एनिमल्स सीधा बच्चे को जन्म देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं मैमल्स। क्या बोलते हैं बेटा, मैमल्स। इनके अंदर क्या क्या हैं, ह्यूमन बीइंग्स, काउज, शीप एंड सम ऑफ द मैमल्स, ठीक है। ये क्या बोला इसने, जैसे ह्यूमन बीइंग है और काउज गाय हैं, शीप भेड़ हैं, ये क्या हैं, कुछ मैमल्स के एग्जांपल हैं। एग्जांपल्स ऑफ मैमल्स आल्सो इंक्लूड बैट एंड एक्वेटिक एनिमल्स लाइक व्हेल्स, डॉल्फिन्स एंड सील्स। देखो ये क्या है बेटा, इसमें क्या बोला, कुछ मैमल्स ऐसे भी हैं जैसे मान लिया बैट, बैट मतलब चमगादड़, दूसरा इसने बोला एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल का मतलब होता है बेटा
ये जो लिखा है ना आपका एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स का मतलब होता है जो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है, जैसे मछलियाँ और ये मेंढक मछलियाँ, इनको एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक वेल्स, डॉल्फिन, डॉल्फिन मछली होती है, सील आपकी मछली, इसी तरीके से ये जैसे वेल होगी, डॉल्फिन होगी, सील्स होगी, तो ये जो हैं आपकी ये भी क्या हैं, मैमल्स, मतलब ये भी सीधा बच्चे को जन्म देती हैं, ठीक है। सम एक्सेप्शंस इन मैमल्स आर डक बिल्ड प्लेटपस, स्पाइनी एंटीटर विच डू नॉट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। इसने क्या बोला, कुछ ऐसे भी हैं जैसे कुछ उनको भी हमने जैसे एक्सेप्शंस हैं बेटा इसमें, जैसे इसने बोला जैसे जो आपकी डक, फिर इसने बोला स्पाइनी एंट इटर, जो ये जो आपकी चींटियां हैं जो इनको खाते हैं, ठीक है, ऐसे आपके हैं, इनको मैमल्स की कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन ये सीधा बच्चे को जन्म नहीं देते हैं। इंस्टीड दे ले एग्स फ्रॉम विच देयर यंग वंस कम्स आउट, ये अंडे देते हैं और फिर उनमें से जो बच्चे हैं वो पैदा होते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ देखो आपको नीचे आपके वो दे रखे हैं, कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, और इन पिक्चर्स में आप क्या देखोगे, जैसे मान लिया यहाँ सबसे पहली जो पिक्चर दे रखी है उसमें दे रखी है काओ एंड इट्स काफ। देखो बेटा अभी आपको ना इन पिक्चर से कुछ ये भी लर्न करना है, जो काओ है, काओ ने जो बच्चा पैदा किया उसको हम क्या बोलते हैं, काओ का जो बछड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, काफ, ठीक है, सी ए एल एफ, काफ, ठीक है बेटा। तो जो काव है वो क्या है, मैमल, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट बच्चे को जन्म देती है, ठीक है बेटा। फिर दूसरा जो नीचे आपकी पिक्चर दे रखी है उसमें क्या दे रखा है, ए लायन एंड इट्स कब, लाइनस, लाइनस का मतलब होता है बेटा जैसे जो ये शेरनी दे रखी है इसमें, ठीक है, उसके साथ क्या है, उसका बच्चा, या उस बच्चे को क्या बोलते हैं, कब, जो शेर का बच्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कब, सी यू बी, कब, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट जो पिक्चर है उसमें दे रखा है हॉर्स एंड इट्स फॉल, ठीक है, यानी कि जो घोड़ा होता है उसका जो बच्चा है उसको हम क्या बोलेंगे, फॉल, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है शीप एंड इट्स लैम, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जो आपकी ये जो भेड़ है, भेड़ का जो बच्चा होता है उसको, उसका क्या नाम होता है, लैम, उसको क्या बोला जाता है, एल ए एम बी, लैम, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप इनका भी याद रखेंगे, जैसे जो बछड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, काफ, जो आपका शेर का जो बच्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कब, जो घोड़े का बच्चा होता है उसको हम बोलते हैं, फॉल, और जो भेड़ का जो बच्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लैम। इस तरीके से हम ये सारे जो आपकी पिक्चर्स दिखा रखी हैं ये सारे क्या हैं, सीधा बच्चे को जन्म देते हैं, इसीलिए हम इनको किस कैटेगरी में रखते हैं, मैमल्स, ओके। नेक्स्ट है बेटा आपका नेक्स्ट पेज, इसमें दे रखा है मैमल्स के बारे में, जो मैमल्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, क्या क्या उनकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है बेटा। तो वो इसमें दे रखा है, एक बार इसको और कवर करते हैं। तो इसने क्या बोला, मैमल्स हैव द फॉलोइंग फीचर्स, मैमल्स के अंदर ये इस टाइप की फीचर्स होती हैं, फीचर्स मतलब उनकी योग्यताएँ, ठीक है, या उनकी कुछ मतलब बनावट या कोई भी इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, उनकी फीचर्स। तो सबसे पहले क्या बोला, दे हैव ए हाईली डेवलप्ड ब्रेन, दे हैव हाईली डेवलप्ड ब्रेन, जो मैमल्स होते हैं उनका जो दिमाग होता है वो अच्छे से ग्रोथ हो रखी होती है उसकी, वो डेवलप्ड होता है, ठीक है, यानी कि जो उनका दिमाग है उसकी ग्रोथ अच्छे से हो रखी होती है, एक चीज़। दूसरी,
देयर बॉडीज आर कवर्ड विद हेयर्स और फर। फर का मतलब होता है बेटा रोएं, जैसे जो आपकी ये होती है बिल्ली होती है, तो इसके जो बॉडी के ऊपर ये जो आपके हेयर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, फर। ठीक है, तो इसने कहा कि ये जो मैमल्स होते हैं इनके जो इनका शरीर है इसके ऊपर क्या होते हैं, बाल उगे होते हैं या फिर फर। ठीक है, मतलब रोएं क्यों होते हैं वो, ताकि वो अपनी बॉडी को वार्म रख सकें, गर्म रख सकें। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में इसने बोला दे मेंटेन कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, वो अपना अपने शरीर का जो तापमान है उसको अपना जैसे मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, डिस्पाइट चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशन, जो वातावरण है उसमें बदलाव चाहे कैसा भी हो लेकिन वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। इसी वजह से उनको क्या बोला जाता है, इसी वजह से उनको वार्म ब्लडेड एनिमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, गर्म खून वाले जानवर। ठीक है बेटा, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। नेक्स्ट है, मैमल्स हैव फोर लिम्स। लिम्स का मतलब एक तरीके से होता है बेटा पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स। ठीक है, अंग बोलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये बोल रहा है मैमल्स के चार लिम्स होते हैं एक तरीके से, दे मे हैव टू लेग्स एंड टू आर्म्स, ऐसा हो सकता है कि उनके दो पैर हों और दो हाथ हों, या ऐसा भी हो सकता है कि चार पैर हों, या फिर जैसे मछलियों की बात करें तो ये भी हो सकता है ए पेयर ऑफ फ्लिपर्स एंड फिन्स, यानी कि फ्लिपर्स का मतलब होता है बेटा जैसे अभी देखो आपको ये एक पिक्चर दिख रही है साइड में, ये मछली है, इसमें देखो वेल है या सील होती हैं, ये आपके जो पेंगुइन होती हैं इस तरीके से, इनके ये जो आपके पंख टाइप दिख रहे हैं ना आपको, इनको फ्लिपर्स बोलते हैं। वैसे हम क्या बोलेंगे, फ्लिपर्स एंड फिन्स को, ये मछलियों के अंदर होते हैं और ये तैरने में इनकी हेल्प करते हैं, तो इनको मछलियों के पंख बोल सकते हो आप एक तरीके से, या फिर हम बोलेंगे उनको या उनके हाथ बोल सकते हो आप, लिम्स बोला जाता है बेसिकली बेटा इनको, जो इनको तैरने में मदद करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका मैमल्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस। लुक आफ्टर का मतलब होता है बेटा देखभाल करना, लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना। मैमल्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस प्रॉपरली, जो मैमल्स होते हैं वो अपने बच्चों की अच्छे तरीके से देखभाल करते हैं, केयर करते हैं। दे फीड दैम विद देयर मिल्क, उनको अपना दूध पिलाते हैं। दे क्लीन दैम, उनको नहलाते हैं। कीप दैम वार्म एंड प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम एनिमीज एंड क्लाइमेट चेंज, वो उनको नहलाते हैं, खिलाते हैं और दूसरे जो एनिमीज हैं उनसे या क्लाइमेट से, वातावरण से जो उसके अंदर चेंजेस आते हैं, जो नुकसान वो पहुंचा सकता है, उनसे उनकी सुरक्षा करते हैं। ठीक है, तो मैमल्स के अंदर ये आपकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये फीचर हैं उनके अंदर। ठीक है बेटा, तो दोबारा से एक बार क्विक रिवाइज करें। सबसे पहले इसने बोला मैमल का क्या होता है, दिमाग ज़्यादा होता है, अच्छे से ग्रोथ होती है। दूसरा, उनकी बॉडी बालों से या फिर रोएं उनसे कवर्ड होती है ताकि वो अपनी बॉडी को गर्म रख सकें। तीसरा पॉइंट इसने जो बोला है, तीसरे पॉइंट में बोला है वो अपना जो बॉडी टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखते हैं, इसीलिए उनको वार्म ब्लडेड एनिमल भी बोलते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट क्या बोला इसने, मैमल्स के चार लिम्ब होते हैं, उसमें ये भी हो सकता है जैसे ह्यूमन में होता है दो हाथ दो पैर, ये भी हो सकता है जैसे काओ और ये हैं चारों पैर हों, या ये भी हो सकता है एक्वेटिक एनिमल में जैसे आपके पंख हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उनके लिम्स हो सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, जो मैमल्स हैं वो अपने बच्चों की पूरी अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन और केयर करते हैं। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में अभी आप इतना ही कवर करो, यहाँ तक इसको अच्छे से पढ़ो, आगे जो आपका चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है बेटा, चलो यहाँ तक हम ख़त्म करते हैं इसको, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके बाकी चैप्टर के साथ। ओके।